हेलो एवरीवन। और आज देश भर से विभिन्न क्षेत्रों से स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो अपने घरों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसे सवाल हैं, और शायद कुछ नहीं, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो स्टूडेंट्स के सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक सरकार ने नहीं दिया है। वो एक 20 लाख करोड़ का पैकेज लेकर आए हैं, पर उस पैकेज में स्टूडेंट्स को कोई भी जगह नहीं दी गई है। जो ये पैकेज लेकर आए हैं उसमें कहीं भी उन्होंने इस बारे में बात नहीं की है कि कैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, कि वो जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स और इन सब की बातें कर रहे, पर उन्होंने इंटरनेट कनेक्टिविटी पर कोई बात नहीं की है। इस पैकेज के अंदर जो स्टूडेंट्स का हक है, जो उनकी पेंडिंग फेलोशिप्स है, उसके बारे में कोई बात नहीं है। जो फी वेवर होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए कोरोना वायरस और पैंडेमिक के दौरान, उसके बारे में कोई बात नहीं है। तो ये जो एक 20 लाख करोड़ का पैकेज है, वो पैकेज किसके लिए, जब उसमें स्टूडेंट्स और यूथ जो देश का फ्यूचर है उनके लिए ही कोई सॉल्यूशंस नहीं है, तो ये पैकेज किसके लिए है? इन्हीं सवालों को आगे लाते हुए आज देश भर से स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने हक के लिए। वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि एजुकेशन एक राइट है। एजुकेशन को सरकार प्रिविलेज बनाने की जो कोशिश कर रही है, इस चीज़ के अगेंस्ट स्टूडेंट्स आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो ये ऑनलाइन एग्ज़ाम्स और ऑनलाइन क्लासेस की बात हो रही है, जो बहुत एक्टिवली सरकार कंसिडर कर रही है, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम्स या ऑनलाइन क्लासेस कोई एक आइसोलेटेड इवेंट नहीं है। ये कोई नई बात नहीं है कि सरकार कह रही है कि वो मजबूरी में कोरोना के वक्त उनके पास ऑप्शन नहीं है इसलिए वो एग्ज़ाम्स लेके आ रही है। नहीं, कोरोना आप कह रहे हैं कि एक रीज़न है कि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम जैसे एक्सक्लूशनरी मेथड लेके आ रहे हैं, पर मेरा सवाल ये है कि कोरोना तो ये रीज़न होना चाहिए आपके लिए कि इस वक्त आप मार्जिनलाइज सेक्शन जो है उसके लिए पहले से भी ज़्यादा केयर करें, पहले से भी ज़्यादा उनका ध्यान रखें, सो दैट वो इस महामारी के चलते और ज़्यादा वर्स्ट पोजिशन पर ना जाएं। कोरोना को जो आप एक एक्सक्यूज़ बना रहे हैं कि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम्स जैसे एक्सक्लूशनरी पॉलिसीज ले आएंगे एजुकेशन में, तो कोरोना तो एक ये रीज़न होना चाहिए था कि आप स्टूडेंट्स के लिए इस वक्त, यूथ के लिए इस वक्त, मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा सोचें। ये जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की बात हो रही है, ये कोई नई बात नहीं है, ये सरकार का एक थिंकिंग पैटर्न बन चुका है, और हमने ये पिछले कई सालों से जो रीसेंट पॉलिसीज है ये सरकार की उसमें देखा है। हमने देखा है कि कैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट लाया गया 2019 के अंदर, और एजुकेशन को उसके थ्रू प्राइवेटाइज करने की एक बहुत बड़ी कोशिश की उन्होंने। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी था उसके तहत एजुकेशन के लिए पहले जो UGC ग्रांट्स दिया करती थी उसकी जगह एक नई एजेंसी लेकर आए, हीफा, हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी, जिसके थ्रू कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन को ग्रांट्स नहीं लोन्स दिए जा रहे थे, और कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन को अपने जो खर्चे हैं उसकी फंडिंग खुद ही करनी थी। और वो फंडिंग कहाँ से आएगी? स्टूडेंट्स की फ़ीस को बढ़ाकर, जो फीस अभी हज़ारों में है वो लाखों में कर, जो एजुकेशन है जो एक पब्लिक गुड है उसको प्राइवेटाइज कर, उसको कमोडिफाई करके। तो ये जो पॉलिसी आज ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की है, ये कोई नई पॉलिसी नहीं है, सरकार का जो एक थिंकिंग पैटर्न रहा है पहले से, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर या फिर एजुकेशन को सैफ्रनाइज करते हुए, ये उसी का एक हिस्सा है। सरकार इसी तरीके से स्टूडेंट के इशूज़ को सोचती है क्योंकि उनके लिए एजुकेशन लेने का हक उनके पास ही है जो इसको खरीद सके, जिसके पास इसके रिसोर्सेस अवेलेबल हो। वो ये नहीं देखते कि एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो एजुकेशन से रिलेटेड एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी ऑटोमेटिकली आने चाहिए कि एजुकेशन हर एक तबके का इंसान एक्सेस कर सके, पर इन सब इश्यूज को नेगलेक्ट करते हुए, इन सब इश्यूज के को लेकर एकदम ऑब्लिवियस तरीके से सरकार एक्ट करते हुए 14 मई को DU के अंदर लगभग एक सर्कुलर ले आती है, जिसके अंदर वो ये कहती है कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के जो फाइनल ईयर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, उन्हें अपना क्वेश्चन पेपर पोर्टल से डाउनलोड करना होगा, अपना आंसर लिखना होगा स्क्रिप्ट पर और उसको अपलोड करना होगा।
तो ये सारा जो प्रोसीजर है कैसे वो स्टूडेंट्स कर पाएंगे जो वापस अपने घर चले गए हैं, जो रिमोट एरियाज में रह रहे हैं, जो ट्राइबल एरियाज में रह रहे हैं, कैसे वो स्टूडेंट्स कर पाएंगे जिनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है? कैसे कश्मीर के स्टूडेंट्स कर पाएंगे जिनके वहाँ अभी भी कश्मीर में 2G नेटवर्क ही अवेलेबल है? टेक्नोलॉजी और ये जो टेक्नोलॉजिकल स्किल्स है वो एक बहुत बड़ा तबका अफोर्ड नहीं कर सकता। सरकार इस बात को क्यों नज़रअंदाज कर रही है? जो स्टूडेंट्स का इशू है, जो यूथ का इशू है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपने उसको 20 लाख करोड़ के पैकेज में जगह नहीं दी है। और सिर्फ यही नहीं, एक नया ऐलान भी किया है कि 2020 और 21 जो फाइनेंशियल ईयर है उसका जो फर्स्ट हाफ है उसके अंदर HRD को आपने कैटेगरी सी में रखा है। कैटेगरी सी यानी कि वो कैटेगरी जिसके लिए सरकार सबसे कम खर्चा करेगी, सबसे द लीस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इज स्पेंट ऑन कैटेगरी सी, और इसमें आपने HRD को रखा है। और आप आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं जब आप HRD ह्यूमन रिसोर्स को ही सबसे कम एक्सपेंडिचर में रखते हैं। तो इन्हीं सवालों को लेकर आज स्टूडेंट्स आए हैं, वो पूछ रहे हैं कि ये डिजिटल एजुकेशन कितनी सक्सेसफुल रहेगी जब डिजिटल इंडिया सक्सेसफुल नहीं रहा था, जब अभी तक भी इंटरनेट कनेक्टिविटी इतनी डिवाइडेड है, वो डिजिटल डिवाइड हर एक बेस पर है, चाहे वो कास्ट के बेस पर हो, क्लास के बेस पर हो, जेंडर के बेस पर हो, बहुत विजिबल है रूरल अर्बन के बेस पर ये डिजिटल डिवाइड। तो एजुकेशन को एक्सक्लूजनरी क्यों बनाया जा रहा है? इन्हीं सब सवालों को लेकर आज देश भर की सभी यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स विरोध कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वो ये चाह रहे हैं कि सरकार इन पॉलिसीज पर रीथिंक करें। इस वक्त हर एक कॉमन स्टूडेंट ऑनलाइन एग्जाम्स के विरोध में खड़ा हुआ है। और खास बात ये भी है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन और स्टूडेंट्स भी इस ऑनलाइन एग्जाम के अगेंस्ट खड़े हुए हैं जिन्होंने इसके पहले कभी भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के विरोध में कोई बयान नहीं दिया, कुछ इसके अगेंस्ट नहीं खड़े हुए थे। वैसे भी ऑर्गेनाइजेशन खड़े हुए जिन्हें सैफ्रनाइजेशन ऑफ एजुकेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जिन्होंने कभी भी विरोध नहीं किया जब कांचा इलाइया की बुक्स को DU के MA पॉलिटिकल सिलेबस से बाहर निकाला गया था, जिन्होंने कभी भी विरोध नहीं किया जब 30-70 का फॉर्मूला लेकर ये कहा गया था कि एजुकेशन की फंडिंग अब कॉलेजेस को खुद करनी होगी, उन्होंने कभी विरोध नहीं किया था जब NCERT और CBSE से स्कूल करिकुलम में से कास्ट और पेजेंट्स के क्वेश्चन के चैप्टर्स हटाए गए थे। वैसे भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो इसके अंदर अब ऑनलाइन एग्जाम्स के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं उनको मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये जो पूरा आपका तरीका है पॉलिसीज़ को देखने का कि आप पहले की पॉलिसीज़ से अब की पॉलिसीज़ को जोड़कर नहीं देख रहे, ये बहुत गलत तरीका है। और जो आप आज ऑनलाइन एग्जाम्स के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं पर आपको प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, जब एजुकेशन कमोडिफाई हो रहा था तब कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, तो आप कि ये जो पूरी प्लानिंग है ये ऑलरेडी एक्सपोज्ड है स्टूडेंट्स के सामने। ऑलरेडी स्टूडेंट्स को पता है कि आपने किस तरीके से किस सरकार को हेल्प किया था, कि आप कैंपस में CAA के सपोर्ट में रैली लेकर गए थे, स्टूडेंट्स को थ्रेटन किया था, उनको मारा पीटा भी था जब उन्होंने जामिया में हुई वायलेंस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था। स्टूडेंट्स ने देखा है कि आपने कितनी एंटी स्टूडेंट पॉलिसीज और एंटी स्टूडेंट गवर्नमेंट को सपोर्ट किया। तो आज अगर आप ऑनलाइन एग्जाम्स के अगेंस्ट ये जो एक फेक मास्क पहन कर आए, वो मास्क तो बहुत पहले ही उतर चुका था, तो इसलिए आज के दिन स्टूडेंट्स को ये भी समझना बहुत ज़रूरी होगा कि कौन एक्चुअली उनके मुद्दों के साथ है, कौन उनकी बात कर रहा है और कौन ऐसे मास्क पहन कर घूम रहा है। क्योंकि ये जो कैंपस पॉलिटिक्स है उसको कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो समझ रहे हैं कि स्टूडेंट्स को वो बेवकूफ़ बना सकते हैं, तो मैं उन्हें यही कहना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स बहुत समझदार हैं और वो समझ रहे हैं कि किन ऑर्गेनाइजेशन ने उनके अगेंस्ट काम किया है कॉमन स्टूडेंट के अगेंस्ट और कौन स्टूडेंट के इश्यूज के लिए खड़ा हुआ है।
तो स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो आज हो रहा है उसको आगे बढ़ाते हुए यही अपील है मेरी कि आज के दिन हम सब अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, क्योंकि ऑफलाइन दुनिया पर अब एक लॉकडाउन लगा हुआ है, तो अपने जो अवेलेबल ऑनलाइन मीडिया है, जिस भी तरीके से घरों से हम प्रोटेस्ट करें और अपनी बात सरकार तक पहुंचाएं कि उनकी एक्सक्लूशनरी पॉलिसीज को एक कॉमन स्टूडेंट बर्दाश्त नहीं करने वाला है। और इसके अगेंस्ट सब स्टूडेंट्स यूनाइटेड खड़े हुए हैं, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम एक्सक्लूशनरी है। दलित, ट्राइबल, रिमोट, रूरल एरिया से आने वाले स्टूडेंट्स के अगेंस्ट हैं, विमेन स्टूडेंट्स के अगेंस्ट हैं, कश्मीर में जहां 2G इंटरनेट है उनके स्टूडेंट्स के अगेंस्ट हैं, उन स्टूडेंट्स के अगेंस्ट हैं। और एजुकेशन को एक प्रिविलेज में बदल दिया जाए, एक ऐसी पॉलिसी है। तो इन एलिटिस, कास्टिस और क्लासिस पॉलिसी के अगेंस्ट स्टूडेंट्स आज खड़े हुए हैं, और हम सब ये बात सरकार तक पहुँचा के रहेंगे कि ये जो पॉलिसीज हैं वो ज़्यादा वक्त तक नहीं चलने वाली है। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज सब स्टूडेंट्स अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपनी बात रख रहे हैं, और इस विरोध प्रदर्शन को हमें और बड़ा बनाना होगा। शुक्रिया।